देखिए मालवीय जी का जन्मदिन हर साल हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये मालवीय मिशन की जब से स्थापना हुई यहाँ पे महामना मालवीय मिशन की, इन हर साल एक हम फ्लैगशिप इवेंट रखते हैं जो उनके जन्मदिन मनाया जाता है। उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग वक्ताओं को बुलाते हैं और वो अपने विषय अपना वस्तु रखते हैं, मालवीय जी के विचारों को कैसे लोगों के बीच में पहुँचाया जाए। हर फील्ड के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं हर जगह से आते हैं, वो उनको सुनने आते हैं और उनके बारे में जो भी आज तक मालवीय जी ने देश के प्रति किया है, इसलिए वो एक राष्ट्र ऋषि कहा जाए तो उससे कम नहीं है। इसलिए वो राष्ट्रीयता कैसे, राष्ट्र प्रेम ये आज युवाओं में कैसे जाए, तो उस दिन वक्ता लोग अपना विषय रखते हैं और हम लोग उसको पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। पूरा महामना मालवीय मिशन पूरी तरह पूरे देश में हमारे जो 23 ब्रांच हैं वहाँ पे हर सेंटरों पे मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय होने के नाते हम इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग इसको विज्ञान भवन में हमेशा इसको मनाते हैं। क्या नाम आपका? संतोष तिवारी। सर, क्या जो मदन मोहन मालवीय जी के विचार थे हम उससे भटक गए हैं, उन विचारों को हम लोग अपना रहे हैं? क्योंकि ऐसा है कि देश की तरक्की बहुत हुई है, बहुत में है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है, एग्रीकल्चर खेती बढ़ चुकी है, मगर हमारा जो सोशल एंगल है वो दिन ब दिन गड़बड़ होता जा रहा है। वो इसके कारण बहुत कुछ है, हम मालवीय जी के जैसे विचार हैं उनसे भटक गए हैं, काफ़ी भटक गए हैं। उनका इतना वैसे था कि उन्होंने ऐसी एजुकेशन दी और ऐसी संस्था बनाई है जहाँ पर न कभी छूट था, न हिंदू था, न मुस्लिम था, कुछ पता ही नहीं चलता था। मैं खुद वहाँ पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ाया हूँ, मेरे से कभी ये असर नहीं हुआ, कभी पता नहीं मुझे लगा कि कौन है कौन नहीं, न जाति पाति का कुछ नहीं था। और अभी भी नहीं, काफ़ी है अभी, लेकिन हो गया है कि हमारी जो जनरेशन है उसमें कुछ ऐसा बदलाव सा आया हुआ है। अब इसके अभी लोग जिम्मेवार हो गए कि हम लोगों ने ठीक से एजुकेशन नहीं दी हुई है और इसको इसके रहना कभी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो एक उनका जन्म जो ऐसा मनाते हैं, अच्छी विज्ञान भवन में मना रहे हैं, हम इसी चर्चा करेंगे। जितने चीज़ों पे उन्होंने बोले हैं, जितने लोग उनके साथ जुटे हुए थे, उनमें से क्या उन्होंने कहा था, कैसे कहा था, उसमें सारे देश को एक बार फिर से अवगत कराने की जरूरत है। अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, उनके विचारों को हम लोगों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और ये सेमिनार जो हमारा रहेगा इसमें इसके ऊपर भी बहुत जोर हम देने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि जितने लोग आएंगे कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हो जाएगा। और हमारे यही यहाँ मिशन बनाने का जो यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये एक छोटी सी समिति उनके नाम पर मालवीय मिशन के नाम पर है, जहाँ मैं खुद प्रेजिडेंट हूँ उसका, यही NCR का। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर BV दर, बनारस का बना हुआ, बनारस साइंस। और इसमें हमने काफ़ी